हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट क्लासेस में आप लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन मल्टीबैगर मिड कैप स्टॉक के बारे में, जो कि अभी भी बाजार में लिस्टेड हुआ है। लेकिन मैं इतने कह चुका हूँ, तीनों स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल के आगे जाके बहुत बड़े कंपनी बन सकते हैं। कौन से तीनों स्टॉक की मैं बात करूँ, एक एक करके तीनों स्टॉक को मैं कवर करूँगा, और साथ ही साथ कौन से स्टॉक में क्या गुड न्यूज़ है वो भी मैं साथ साथ जरूर कंसिडर कर दूँगा। अगर ये तीनों स्टॉक और आप लोगों के पास है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप लोग में फ्रीज बाइंग करना चाहते हो तो प्लीज़ फ्रीज बाइंग करने से पहले वीडियो को आप जरूर देख लेना, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प जाएगा कौन से लेवल पर और कितना अमाउंट बाई करना चाहिए वो भी लॉजिक के साथ। तो चलो दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे स्टॉक को हम कवर करते हैं। उसमें से पहला स्टॉक है दोस्तों हमारे केमिकल ग्रुप का दिग्गज कंपनी, बहुत बार बता चुका हूँ, लक्ष्मी ऑर्गेनिक। सो दोस्तों, आप देख पा रहे हो लक्ष्मी ऑर्गेनिक आज के दिन एक नॉर्मल तेजी, जो कि मतलब ये अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। और अगर आप थोड़ा सा लंबा खेलो को एक साल वालों को दोस्तों, अभी भी उनके पैसे डबल हो चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम उनको हो रहा है दोस्तों, जो लोग एकदम टॉप पे बाय कर चुके हैं 500 के ऊपर 600 के ऊपर, स्टॉक के जो हाई है 630 के आसपास। मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आपने टॉप पे भी बाय किया एकदम लास्ट डेट पे 628 के जो टॉप लिप है उस पर भी बाय किया, बिंदास होल्ड करना दोस्तों। अगर आपके पास पैसे नहीं है अकोमोडेट करने के तो कोई बात नहीं, होल्ड जरूर करना। आपको जब ये स्टॉक भागते गए रॉकेट की तरह, आप देख पाओगे ये जो रिटर्न है दोस्तों, ये कुछ ही दिनों के रिटर्न देते, जब स्टॉक भागते तो धमाकेदार भागते। मैं इतने कर चुका हूँ, लक्ष्मी ऑर्गेनिक अगर आप लोगों के पास है आपको बहुत ही कमाल रिटर्न फ्यूचर में जरूर देगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ही नई कंपनी दोस्तों, 26 मार्च 2021 में लिस्टेड हुए थे, रफली एक साल हुए। तो एक साल के अंदर स्टॉक में अभी भी गिरावट होने के बाद भी 130% के आसपास के अभी भी रिटर्न मिले, जो कि कमाल के रिटर्न। लेकिन एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो इस चीज़ को, कि ये जो रिटर्न है दोस्तों लगभग 200% तक जा चुके थे स्टॉक में, 180 से लेकर लगभग 630 का जर्नी दिखा चुका था। ये जो जर्नी है दोस्तों वो सिर्फ कुछ ही मंथ के थे, 2 मंथ की। तो जब ये स्टॉक भागते हैं ऐसे रॉकेट की तरह भागेगा कि आपके ये लेवल तोड़ के भी आराम से आपको प्रॉफिट भी दे देगा। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक अगर आप लोगों के पास है आप बिंदास होल्ड करना। और एक गुड न्यूज़ ये है दोस्तों, 4 मई को इसके Q4 के रिजल्ट है, और साथ ही साथ आपको डिविडेंड भी मिल सकता है। तो अगर आप इसके शेयर होल्डर हो, इस दिन को आप इसको फोकस में जरूर रख सकते हो। फ्रीज बाइंग के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा, Q4 के रिजल्ट आ जाए तभी बाय करो, सबसे बेस्ट डिसीजन रहेगा। देन नेक्स्ट स्टॉक है हमारी कमाल की कंपनी दोस्तों, मैनेजमेंट वाली कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। सेम चीज़ है दोस्तों, जो एक साल वाले थोड़ा सा लंबा खेल रहे दोस्तों, एक साल को भी हम शॉर्ट टाइम में बोलते हैं। एक साल वालों को अभी भी इतने करेक्शन होने के बाद भी 1600 का स्टॉक 1000 पे आने के बाद भी 50% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छे खास है। और सेम चीज़ है दोस्तों, 2020 में सितंबर में ये लिस्टेड होते हैं, रफली 1.5 साल हुए, 1.5 साल में स्टॉक इतने करेक्शन होने के बाद भी जो रिटर्न मिल रहा है 180% के आसपास। और सेम चीज़ ये स्टॉक जब भागे थे 2 से 3 महीने की ये तेजी है दोस्तों, मैं इतना कहना चाहूँगा, 350 से स्टॉक ने 1600 रुपये की जर्नी दिखा दी सिर्फ और सिर्फ 2-3 महीने में। तब जब स्टॉक भागते तो रॉकेट की तरह, अगर आपने 1580 पर भी बाय किया, किसी भी लेवल पर आपके बाय किया, तो मैं इतना कहना चाहूँगा होल्ड जरूर करना। अशोक सोता मैनेजमेंट है दोस्तों, कमाल की मैनेजमेंट है। मैं इतना कहना चाहूँगा, आपको बहुत ही आगे जाके कंपनी बहुत बड़े बन सकते हैं, आपके जो फंड है बहुत मल्टीप्लाई बना सकते हैं। और इसकी भी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, 5 मई को इसकी Q4 के रिजल्ट है, साथ में आपको डिविडेंड भी देगा। मैं इतना कह सकता हूँ, जिन्होंने फ्रीज बाइंग नहीं किया अभी तक, प्लीज़ क्यों Q4 के रिजल्ट तक वेट कर ले, जैसे रिजल्ट आ जाएगा मैं आपको अपडेट जरूर कर दूंगा, साथ ही साथ आप लोगों की थोड़ा बहुत हेल्प जरूर कर दूंगा। देन नेक्स्ट स्टॉक है और एक मिड कैप स्टॉक, कमाल के स्टॉक दोस्तों, इम्टाट टेक्नोलॉजी में सेम चीज़ आप देख पाओगे, एक साल बाद को अभी भी इतने करेक्शन होने के बाद भी 2550 जब गए थे तभी मैंने आपको बता दिया था कि इस लेवल पे आपको बाय नहीं करना है। तो आप देख पाओगे अच्छे खासे करेक्शन हो चुके हैं, अभी भी लगभग 75% के रिटर्न मिल रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, सारे के सारे स्टॉक नए कंपनी, लेकिन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है आगे जाके। इन्फोसिस, विप्रो, TCS, आप किसी भी स्टॉक को देख लो, आगे जाके बहुत ही छोटी कंपनी थे, लेकिन अब जाके बहुत सालों से मेहनत के उन्होंने, मैनेजमेंट अच्छे थे, और आज जाके वो बहुत ही बड़ी कंपनी बन चुके। तो इनमें भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ये भी बहुत 26 मार्च 2021 को लिस्टेड हुए, रफली देखा जाए एक साल हुए, तो एक साल के अंदर स्टॉक में अभी भी लगभग 70% के आसपास के रिटर्न मिले, जो कि एक अच्छे रिटर्न माने जाते हैं। ये भी स्टॉक जब भागे थे 2-3 महीने के रिटर्न होते दोस्तों, ये सब स्टॉक जब भागते मिड कैप स्टॉक तो रॉकेट की तरह भागते। तो तीनों स्टॉक अगर आप लोगों के पास है बिंदास होल्ड करना। और इम्टाट टेक्नोलॉजी में और एक छोटा सा कंपनी है, जो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख पा रहे हो, प्रमोटर 50% और FIH जो है दोस्तों लगभग 2-3% से लगभग 6% से भी ज़्यादा के स्टेक होल्ड कर, मतलब इस बार जो है अच्छे खासे बाइंग के FIH ने, और कमाल किन से खरीदा पब्लिक से, एक और अच्छे साइन है। तो मैं इतना कह दूँगा, कमाल के स्टॉक है, आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी कंपनी बन सकते हैं, और आपका जो फंड है इन्वेस्टमेंट है बहुत मल्टीबैगर बना सकते हैं दोस्तों। मैं इतना कह दूँगा, इम्टाट टेक्नोलॉजी का अभी भी रिजल्ट डेट डिक्लेयर नहीं हुआ, जैसे होगा मैं आपको अपडेट कर दूँगा। और दोनों का हो चुका है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक और
प्लेसमेंट टेक्नोलॉजी कमाल की कंपनी, बिंदास होल्ड करना दोस्तों। मैं इतना कहता हूँ आपको फ्यूचर में लाइफ चेंज रिटर्न आपको जरूर देगा, मैं इतना कह सकता हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, और इस वीडियो में कोई भी पॉइंट चलो वीडियो को लाइक।